पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। केंद्र ने सभी राज्यों के जीडीपी से मांगी है रिपोर्ट। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अमल हुआ तो जल्द ही पुलिस विभाग के कई सेवाएं निजी हाथों में नजर आएंगी। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र ने 50 से अधिक ऐसी सेवाओं की पहचान की है जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से निजी हाथों में सौंपा जाना है, जिसमें पासपोर्ट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, नेताओं की कंसर्ट्स ड्यूटी, पुलिस परीक्षा, बंदोबस्त, समन डिलीवरी, डाक ड्यूटी, रिजर्व कोपिंग, पुलिस अकाउंट डोर ट्रेनिंग जैसे संवेदनशील बिंदु भी सम्मिलित हैं। प्रस्ताव पर अमल हुआ तो पुलिस विभाग के 10,000 से ज्यादा पद खत्म हो जाएंगे। केंद्र ने मदद के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें कोर पुलिसिंग से जुड़े कामों को छोड़कर कई सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए कहा गया है। इसके बारे में केंद्र के अंगद सेक्रेटरी मनोहर सुकोत ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को चिट्ठी भेजी है। रिटायर्ड पुलिस अफसरों के मुताबिक पासपोर्ट वेरिफिकेशन की व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने की गोपनीय रणनीति चल रही है और सुरक्षा समझौते जैसी गोपनीय रणनीति भी चल रही है। सुरक्षा को भी निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। सूत्रों की माने तो पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी सरकार की चल रही है। केंद्र ने सभी राज्यों के जीडीपी की मांगी गई रिपोर्ट पे भी फाइनल कर दिया है। संवेदनशील बिंदु जैसे प्रस्ताव पर अमल हुआ पुलिस विभाग के 10,000 से ज्यादा पद भी खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अमल हुआ तो जल्द ही पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में कर दी जाएंगी। जय हिंद।